हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले हमने किया है मीन उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का, और उसके बाद किया है कि कैसे ऑक्सीजन ब्लड एंड डी ऑक्सीजन ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसे डिफरेंशिएट होता है और कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है ह्यूमन बॉडी में। तो उसके बाद हम करेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन मीन, तो फर्स्ट है पल्मनरी सर्कुलेशन एंड द नेक्स्ट वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसमें डिफरेंस क्या है पल्मनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में? तो लेट्स स्टार्ट विद द पल्मनरी सर्कुलेशन। तो पल्मनरी सर्कुलेशन क्या है? इन केस ऑफ पल्मनरी सर्कुलेशन देर इज अ डी ऑक्सीजन ब्लड विच कम्स फ्रॉम द राइट वेंटिकल एंड इट विल एंटर्स टू द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी आर्टरी। पहले भी किया है कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो किस में एंटर करेगा? लंग्स में। कहाँ से आ रहा है? राइट वेंट्रिकल की तरफ से। तो पल्मनरी आर्टरीज, ये जो पल्मनरी आर्टरीज हैं, पल्मनरी आर्टरीज की हेल्प से ब्लड किस में एंटर करेगा? लंग्स। जब लंग्स में डी ऑक्सी ब्लड एंटर किया तो लंग्स ने क्या किया? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में चेंज किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन्स किस में एंटर करेगा? लेफ्ट ऑरिकल में। तो दैट इज कॉल्ड एज अ पल्मनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी आर्टरी किस में पास किया? लंग्स में। तो लंग्स ने क्या किया? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में चेंज किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन्स किस में एंटर करेगा? लेफ्ट ऑरिकल में। एंट्रियम और ऑरिकल इज द सेम थिंग, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो दिस इज कॉल्ड एज द पल्मनरी सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट वन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजन ब्लड आया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। जब ये वाला ब्लड ऑक्सीजन ब्लड विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, इन तीन की हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट विल एंटर्स टू द बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेकिन बॉडी में से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बना विद द हेल्प ऑफ वेन्स एंड वेना कावा वो किस में एंटर करेगा? राइट ऑरिकल में। तो क्या डिफरेंस किया इसमें हमने, क्या पढ़ा पल्मनरी सर्कुलेशन में? पल्मनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजन ब्लड की बात की कि वो ऑक्सीजन ब्लड बना, लेकिन इन केस ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन सी ब्लड की बात की? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स डिफरेंस क्या है इसमें? अब ये देखो, इन केस ऑफ पल्मनरी सर्कुलेशन डी ऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स में एंटर किया, ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन ये आप लिखोगे विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी आर्टरीज की हेल्प से लंग्स में एंटर करेगा, विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन्स की हेल्प से लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसपोर्ट करेगा। सो ये वाली सर्कुलेशन होगी पल्मनरी सर्कुलेशन। तो इन केस ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो क्या? जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में एंटर किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में एंटर किया किसकी हेल्प से? आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज की हेल्प से। तो बॉडी में जब गया ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, ठीक है, तो किस में चेंज हो गया? डी ऑक्सीजन ब्लड में। तो विद द हेल्प ऑफ वेन्स एंड वेना कावा किस में एंटर करेगा? राइट ऑरिकल में। तो ये जो टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है ना, तो इसे बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। सो इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, वो बहुत ही सिंपल वे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका मेन फोकस ये वाले चार्ट पर जाना चाहिए, दिस वन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन किस में होता है? बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो स्टडी ऑफ हार्ट, ये उसका चार्ट दिया हुआ, स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। जब हम हार्ट की स्टडी करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने हार्ट है, डेफिनेटली सिंगल हार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन। थैंक यू।